आज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रति ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर, सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अरहम ध्यान की इस दिवर्ल्ड कोविड श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर्षीय विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि 108 प्रणम में सागर जी महाराज की जय। कल हमने अपने मन और विचारों को सकारात्मक और प्रबल बनाने के लिए ध्यान किया था। आज हम संस्कारों का बीजारोपण करेंगे और राइट नॉलेज से अपने आप को आलोकित करेंगे, प्रसन्न करेंगे, अपने ज्ञान को रोगी नहीं बनने देंगे, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। आप जिस भी स्थिति में हैं, उसी स्थिति में सिर्फ अपना ध्यान जो कहा जा रहा है उस पर रखेंगे। आंखें बंद रखते हुए भीतर से जागृत रहेंगे, बाहर की दुनिया से अपने मन को हटाकर थोड़ा सा भीतर जो अपने अंदर चल रहा है उसी को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। नेचर का एक लॉ है, एज यू शो सो यू रीप। जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं पाते हैं। इसलिए हमें भीतर से अपने मन के माध्यम से अपनी आत्मा पर ऐसे संस्कार नहीं डालने चाहिए जिससे मेरा जीवन आगे और ज्यादा दुखमय बने। दुख के बीज बोओगे दुख की फसल काटनी पड़ेगी, सुख के बीज बोओगे सुख की फसल काटोगे। अगर भीतर निराशा के बीज बोओगे जीवन में आगे भी निराशा मिलेगी। जीवन में अगर आगे प्रसन्नता चाहते हो तो अभी प्रसन्न रहना सीखो। हम जिस तरह का मन अपने अंदर बना रहे हैं, हर क्षण हम अपने अंदर एक संस्कार डाल रहे हैं, एक बीज वपन कर रहे हैं। भीतर से हमारे अंदर एक अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए। बी अवेयर। अवेयरनेस इस रूप में होनी चाहिए, हमें मन में दुख पैदा करना ही नहीं। तन में दुख हो बना रहने दो, मन को दुखी नहीं बनाना। तन मेरे साथ नहीं है, मुझे ये ज्ञान आज मिल रहा है। तन शरीर हमारे अनुकूल नहीं चलता, हमारा साथ हमेशा नहीं देता। कभी किसी का शरीर किसी के साथ हमेशा नहीं देता, इसलिए यह शरीर धोखा देने वाला है। आज तक हमने इसको समझा नहीं,
आज अगर हमारी बीमारी के कारण से हमको समझ में आ रहा है, तो हम अपनी इसी अनुभूति को, अपने इसी ज्ञान को एक प्रसन्नता का विषय बना लें। आज हमें ज्ञान मिला, आज मुझे एक्सपीरियंस हुआ अपनी बॉडी जिसे हम रोजाना अच्छे ढंग से खिलाते थे, अच्छा पिलाते थे, अच्छी इसके लिए योग आसन प्राणायाम सब करते थे, पूरी की पूरी सब तरीके की हमने सावधानियां रखी, मास्क लगाए, डिस्टेंस मेंटेन की, जो भी तरीके की हमें सावधानियां बताई गई सब कुछ किया, उसके बावजूद भी इस शरीर ने मुझे धोखा दिया। इस शरीर को हम इसी रूप में देखें, ये हमारी एक राइट नॉलेज होगी। आज तक हमारे लिए नॉलेज मिली नहीं, क्योंकि हम ये समझते रहे कि हम जैसा इस बॉडी के लिए कर रहे हैं हमें रिटर्न में भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन आज मुझे महसूस होता है ये शरीर धोखा देता है। कभी संतों ने भी हमें सिखाया बताया, हमने सुना नहीं। आज हम जिस स्थिति में महसूस कर रहे हैं वह हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए यह समय हमारे लिए दुख का नहीं प्रसन्नता का है। इस ज्ञान से प्रसन्न हो। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमारे पास थी, है, रहेगी। ज्ञान रुग्ण नहीं बनाना, शरीर रुग्ण हो जाए ज्ञान को रोगी नहीं बनाना। ज्ञान रोगी होगा मन रोगी होगा, मन रोगी होगा विचार रोगी होगा। इसलिए ज्ञान को प्योर बनाना है, ज्ञान को हैप्पीनेस के साथ में हमेशा जो भी है उसी रूप में देखना है। हम सुनते थे तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे। हम सुनते थे भजन में हमें बताया जाता था, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज हमारे लिए ये समय है हम अच्छा ज्ञान अच्छा विवेक अपने अंदर जागृत कर रहे हैं। इस बात की हमारे अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए। ये साधुओं के उपदेश आज हमारे काम में आ रहे हैं। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे। पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। समझे इन दो लाइनों में क्या कहा गया है। शरीर हमें धोखा देता है, जब अपना शरीर अपने से जुड़ी हुई चीज हमें धोखा देती है तो हम दूसरों के ऊपर कितना विश्वास कर सकते हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, किसी भी तरीके के हॉस्पिटल हैं, ऑक्सीजन है, बेड है, ये चीजें हमें कब तक सहारा देंगी, इनके ऊपर क्या विश्वास करेंगे हम। कोई भी मेडिसिन, कोई भी ट्रीटमेंट, हम इतना ज्यादा आकुलित न हो कि इन्हीं के विश्वास से हमारा जीवन चलता रहा है चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। हम समझें, भीतर से समझें, कोई भी चीज जो हमारे अंदर अगर विश्वास के साथ है तो सिर्फ वह हमारा राइट नॉलेज। हमें आज वो मिल रही है, हम इसी पर प्रसन्न हो। पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। ये शरीर का पिंजड़ा जिसमें ये हमारी चेतना का पंछी पड़ा हुआ आज सोच रहा है मैं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, लेकिन अपने मन में पहले से निराशा, पहले से हताशा के भाव उत्पन्न मत होने दो।
वस्तु स्थिति को समझते रहो, जानते रहो। जीवन हमारी इच्छा से नहीं बना था, हमारे ही कर्मों के फल से बना था, और जैसे भी हमारे कर्मों के फल होंगे वैसा चलेगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने वाले लोग चिंता कर रहे हैं। बाहर हमारे सभी फैमिली के लोग, सभी रिलेटिव्स सब हमारी चिंता कर रहे हैं, सभी डॉक्टर्स सब हमारे लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हमें क्या सोचना। हमारे इस पिंजड़े के अंदर मेरी ही चेतना पड़ी हुई है, हमें इस चेतना के पंछी को पिंजड़े से मुक्त करने के लिए, पिंजड़े से मुक्त होने के लिए हमेशा प्रसन्न रहना है। अपनी नॉलेज को राइट बनाना है। दुख तो इसी शरीर ने दिया ना, शरीर दुख का ही तो पिटारा है। हम इस शरीर से ही तो अटैच होकर के दुखी हो रहे हैं। थोड़ा सा अपना अटैचमेंट इस शरीर से हटाएं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। शरीर को शरीर की तरह देखते हुए छोड़ दें और मन ही मन प्रसन्न हो, मेरा ज्ञान, मेरे सद्विचार आज मेरे साथ है, यही मेरी संपदा है, यही मेरा संस्कार है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। हमेशा साथ रहने वाली चीज पर ध्यान दें, मन को सुख से भरते जाएं। सुख तभी आएगा जब आप सही सोचेंगे। जब शरीर आपके अनुसार नहीं चल रहा है, आप शरीर के बारे में सोच सोच करके दुखी ना हो, मन को सुखी बनाएं, और मन का अभी का सुख आपको आगे भी सुख देता रहेगा। अभी मन को दुखी बनाए रखोगे, आगे भी दुख मिलेगा। दुख का बीज मत बोना, सुख का बीज बो, सुख का बीज बो, सुखी बनाओ। सुखी होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ विचार, हमारा विचार। मैं अपने विचार से प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं, सुखी हूं। देखो आपका मन प्रसन्न होने लगा है, महसूस करो आपकी प्रसन्नता आपके हृदय में महसूस हो रही है। और थोड़ा सा महसूस करो, प्रसन्नता बढ़ाओ। कोई चिंता नहीं करो शरीर की, जो हो रहा है उसको होने दो। तुम्हारे करने से अब कुछ नहीं होने वाला, जो होगा भीतर से होगा। बाहर से करने वाले लोग बाहर से कर रहे हैं। तुमको सिर्फ भीतर से अपने आप को मजबूत बनाना है, भीतर से अपने आप को तैयार रखना है, भीतर से अपने आप को राइट नॉलेज के साथ जीना है। शरीर तो धोखा देता ही है। आज मैं इसके धोखे देने को देख करके पहली बार समझा हूं, अपना भी खास होकर के धोखा देता है। मेरा मन आज पहली बार समझा है, तन भी धोखा देता है। ये जो राइट नॉलेज मुझे एक्सपीरियंस्ड हो रही है, हम इसी से अपने आप को प्रसन्न बनाए रखे हैं। इसी से प्रसन्न होना है। सुख हमारा इसी चिंतन, इसी विचार से हमको मिलेगा। मन सुखी होता है, धीरे धीरे अपने आप बॉडी भी रिलैक्स्ड होती है। अपने आप जैसे ही बॉडी से हमारा अटैचमेंट हटता है, ऑक्सीजन अपने आप उसको कॉस्मस से मिलने लग जाती है। जिस चीज को हम जितना टाइटली अटैच किए रहेंगे, पकड़े रहेंगे, उस चीज में उतना ही ज्यादा दबाव पड़ेगा, और उसी के कारण से उस चीज में फ्रीनेस नहीं आने से उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी। इसलिए इस बॉडी को थोड़ा सा डिटैच होकर के भीतर ही भीतर देखें। अपने आप जैसे जैसे आपके माइंड से बॉडी डिटैच होगी, ये फ्री होगी, फ्री होगी तो अपने आप इसके अंदर कॉस्मस से पॉजिटिव एनर्जी अन्य अपने आप इसके अंदर आती जाएगी। पूरी बॉडी ऑक्सीजन से फुल होगी। कोई टिश्यू हमारा डेड नहीं होगा, कोई सेल हमारी डेड नहीं होगी। हमारे अंदर ये प्रसन्नता बढ़ रही है,
राइट नॉलेज इज द रूट कॉज ऑफ हैप्पीनेस। आई एक्सपीरियंस्ड इट। जितनी श्वास ले सकते हैं उतनी श्वास लें, अपने हृदय को प्रसन्न बनाएं, श्वास भर करके हृदय को प्रसन्न रखें। मन ही मन मस्त रहें, ओम अरहम नमः की मस्ती में मस्त रहें। ओम अरहम नमः, 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 ओम कर आंखों पर रखें, मुख पर रखें, पूरे शरीर पर रखें इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। आज के ध्यान में हमने समीचीन ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास किया, वस्तु व्यवस्था को समझने की भी कोशिश की। इस आपदा के काल में जहां चारों ओर से हमें केवल नेगेटिव ही न्यूज मिल रही है, अत्यंत आवश्यक है कि हम शरीर की वास्तविकता को स्वीकारें और अपने ज्ञान को समीचीन बनाएं। इस जंग को जीतने के लिए अरहम ध्यान की डिवॉइड कोविड कैंपेन में आपको छोटे छोटे अत्यंत सरल और उपयोगी टिप्स भी दिए जाते हैं, जिसको फॉलो करके आप अपने आप को प्रसन्न और स्वस्थ रख पाएं। आज का टिप जानने के लिए चेक कीजिए हमारा फेसबुक पेज facebook.com/arhamdhanyoga। कल के सत्र में हम ध्यान के माध्यम से हीलिंग विथ फीलिंग की टेक्निक सीखेंगे गुरुदेव के मुखारविंद से। तब तक के लिए ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी,
किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है? हवा का घूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?